सीरियल बातें कुछ अनकही सी में आया है इंटरेस्टिंग मोड, जहां वंदना के मोहल्ले में मनाया जा रहा है गणेश उत्सव। और हर साल की तरह इस साल भी वंदना ने अपने हाथों से गणपति बप्पा को दिया आकार। और जैसे ही बप्पा की मूर्ति को लेकर मंडल की तरफ बढ़ती है, तभी वंदना के पैर लटखड़ाते हैं और तभी कुणाल उसे संभाल लेता है। और फिर वंदना और कुणाल मूर्ति की स्थापना और पूजा करते हैं। इसी के साथ ही सीरियल की कहानी में दिखा एक और ट्विस्ट, जब किसी गणपति पंडाल में पम्मी आंटी पहुंचती है और फिर क्या होता है आप खुद देखिए। जब पंडाल में एक बच्चा पहुंचता है और वो प्रसाद लेने के लिए आगे बढ़ता है, तभी पम्मी आंटी का गुस्सा बच्चे पर उतरता है। ओए, कौन है? किसको आया है? और किसे लेके जा रहा है? किसका बच्चा है? चुप के लेके जाओ इसको। ऊपर की कर रहा है? पंडाल में उससे की कर रहा है? वहीं वंदना पम्मी से बच्चे को प्रसाद देने के लिए रिक्वेस्ट करती है, जिसके बाद पम्मी उसे प्रसाद देती है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि मल्होत्रा परिवार और करमरकर परिवार, हम लोग सब मिलकर गणपति बप्पा एंड जोशी परिवार and Sood family also हम एक परिवार हैं, हम सब एक हैं actually। और ये है हमारी ये देखो हमारी हीरोइन जो बेचारी बहुत थक चुकी है, कुछ बताएं हमारे डबल गणपति पापा जो सेट पे हैं उनके बारे में। डबल गणपति पापा यहाँ पे उधर है एंट्री पे भी ना। ओ अच्छा, वो शो सेट के पापा है और ये बंधु के घर के पापा है। रिच पीपल्स का, क्योंकि ये पुअर पीपल्स कॉलोनी है एंड पम्मी बुआ हैज दिस होल रिच पीपल्स कॉम्प्लेक्स, बिकॉज वो बहुत गरीबी से आई हैं और अब बहुत अमीर हो गई हैं। हाँ देखिए, हीरोइन भी मुझे फैन कर रही है, हीरोइन भी मेरी फैन है। I'm still Jenny from the block. तो हम वेलकम कर रहे हैं रिच पीपल्स को एक गरीब कॉलोनी में और बहुत ठाट और पम्मी बुआ स्टाइल में कर रहे हैं। मुझे लग रहा है हम बहुत खुश होते हैं, हम बहुत आदत हो गई मुझे लगता है हम बहुत खुश होते हैं जब ऐसे सीक्वेंस आते हैं, जब हम सब जब हम साथ में शूट करते हैं, जब दो अलग यूनिट्स नहीं लगती, जब एक ही यूनिट होता है और हम सब साथ में होते हैं। तो कल हमने बहुत मजा किया, बहुत डांस किया, बहुत एंजॉय किया, बहुत डांस किया। रियली लग रहा था कि वो रोड पे जो विसर्जन होते हैं ना वो वाले हो रहे थे हमारे, फुल ऑन फुल धमाल मस्ती चल रही थी। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि गणेश पूजा जो है हम सब ने अपने घर पे की और डेढ़ दिन के गणपति हम सबके घर पे आए। एंड एक बात ये है, सच है एंड सब मानेंगे भी, कि जब गणपति पापा घर पे आते हैं तो घर का जो एटमॉस्फेयर है पूरा बदल जाता है एंड इट्स सो ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग। एंड अभी हमारे सेट पे भी गणपति पापा, यू नो फर्स्ट ईयर एंड फर्स्ट ईयर है गणपति पापा हमारे सेट पे आए, तो बहुत अच्छा हम लोग शाम में आरती भी सब एक साथ करते हैं। And you know it's such a beautiful thing to come together and pray together. मेरे अलग से शूटिंग चल रही है। मतलब एक दिन ऐसा सेगमेंट या ऐसा चैलेंज रख दो, मैं चाहती हूँ जिसमें आप करण को बोलना कि प्लीज 10 मिनट के लिए चुप रहे, हम बहुत खुश हो जाएंगे। एक ऐसा सेगमेंट हम चाहते हैं जहाँ 10 मिनट के लिए करण चुप हो जाए। हाँ, ready. करके दिखा दे। यार बोल चुका। अच्छा। ना हो पाए। अगर वो रेडी है तो मैं चाहती हूँ वो 12 घंटे चुप रहे। बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, बहुत सनसनी खेज होने वाली है शो के, बहुत अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे जो हमेशा एक हुक छोड़ के जाएंगे ऑडियंस के माइंड में कि कल क्या आने वाला है। ये कल क्या आने वाला है को जब हुक ऑडियंस के साथ रहेगा हमेशा, हम कोशिश करेंगे कि हम उसको उस पर निर्भर रहें।